गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ, आई एम गोइंग टू टीच यू SST चैप्टर 2 लोकेटिंग प्लेसेस। यस्टरडे इन दिस चैप्टर आई हैव टॉट यू इमेजिनरी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट आर ड्रॉन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लाइक द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो नंबर एंड देयर टोटल नंबर इज 360। ये जो लाइन दिख रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आ रही है, ये क्या है? लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है। इसका नंबर होता है, इसकी संख्या होती है 360। द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन इज टेकन एज 0° लॉन्गिट्यूड। ये जो बीच में मोटी लाइन दिख रही है ये 0° लॉन्गिट्यूड है। दिस लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, जो मोटी लाइन दिख रही है इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। द एरिया बिटवीन 0° एंड 180° टुवार्ड्स द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की एरिया बोल रहा है, ये प्राइम मेरिडियन इसके ईस्ट की एरिया इज नोन एज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, इस साइड को ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एंड इज मार्क्ड एज ई द एरिया बिटवीन 0 and 180 टुवार्ड्स द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के वेस्ट, इधर वेस्ट है प्राइम मेरिडियन, इज नोन एज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस पार्ट को वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, इधर वेस्ट है तो इस पार्ट को वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इज मार्क्ड एज W द मेरिडियन ऑफ 180° ईस्ट एंड 180° वेस्ट इज द सेम लाइन। वो एक ही लाइन होती है, जैसे ये लाइन है, ये मोटी लाइन, ये एक ही लाइन है ईस्ट और वेस्ट दोनों के लिए सेम लाइन। एंड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। एक जो यू हैव टू स्टडी ग्रिड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर्म अ नेटवर्क ऑन द ग्लोब विच इज नोन एज ग्रिड। ये ग्रिड है, ये जो फिगर दिख रहा है दोनों लाइनें, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लाइन ऑफ लैटिट्यूड दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इससे एक नेटवर्क बन रहा है, यही ग्रिड है। द पॉइंट एट विच अ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस वी मस्ट नो इट्स डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर 28.36° नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77.12° ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्रॉस ऑन द ग्लोब। ये जो दोनों लाइनें हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो जहां पे क्रॉस करती हैं वो जो पॉइंट होता है, वो बिंदु होता है, किसी प्लेस को लोकेट करने में हमें हेल्प करता है। नाउ यू हैव टू स्टडी एंड राइट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 SST। क्वेश्चन फर्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग एक्सिस, सेकंड ग्रिड, थर्ड प्राइम मेरिडियन, फोर्थ इंटरनेशनल डेट लाइन, फिफ्थ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। फर्स्ट नंबर एक्सिस, एन एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। सेकंड ग्रिड, द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर्म अ नेटवर्क ऑन द ग्लोब विच इज नोन एज ग्रिड। थर्ड प्राइम मेरिडियन, द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू ग्रीन विच नियर लंदन इज टेकन एट 0° लॉन्गिट्यूड
This line of longitude is called the prime meridian. International deadline, the meridians of 180 degree east and 180 degree west is the same line and is called the international deadline. Next, you have to define lines of longitude and latitude. The imaginary lines joining the North Pole and South Pole are called the lines of longitude or meridian. The imaginary lines drawn parallel to the equator are known as parallels of latitude. Second question, how many lines of latitude and longitude are there on the Earth's surface? Answer, there are 180 lines of latitude and 360 lines of longitude on the Earth's surface. Question third, explain in brief the four hemisphere of the Earth. Answer, any circle drawn around the Earth divides it into two equal halves called hemisphere. There are generally considered to be four hemispheres, northern, southern, eastern and western. The equator are lines of 0 degree latitude divides the earth into the northern and southern hemisphere.